इंसान जिसने इतिहास रच दिया, वो इंसान जिसने इतिहास रच दिया। आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो संविधान चल रहा है, जो कानून बनाए गए हैं, वो हमारे भारत के ही है, जो कि बेहद फेमस होने के साथ साथ हर एक के दिलों पे राज करते हैं, जिनका नाम है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जी हाँ, आपको पता है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। और पता है आपको, हमारे भारत में जो भी पिछड़े जाति के लोग थे, जो दलित समाज के थे, उन पे बहुत अत्याचार किया जाता था। उनपे अलग जैसे कि जानवर पे व्यवहार किया जाता है, दृष्टि उनकी खराब थी, इतने अजीब नजरों से देखा करते थे लोगों को कि वो उनको ऐसा लगता था कि ये हमारी जिंदगी है कि नरक है। उस समय हमारे भारत के जो हम बोलते हैं भारत रत्न, उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्हें हम आने वाली पीढ़ियों में तो भुला ही नहीं सकते। और इस बार भी हम हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर का पहला ये नारा था कि शिक्षित बनो और संगठित बनो, हमेशा शिक्षा के मार्ग पर चलो, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं होते तो संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अगर वो उसमें चले भी जाते तो उन्हें शिक्षा का अभाव होता, क्योंकि अगर वो शिक्षा नहीं प्राप्त करे होते तो वे संविधान नहीं लिख पाते। इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें शिक्षा आसानी से मिल रही है। वो दलित फैमिली से नहीं, इसलिए उन्हें पढ़ने में बहुत तकलीफें होती थी, जिसकी वजह से बहुत सामना करना पड़ता था। सामना करते हुए भी वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया और उन्होंने मिले हुए रिपोर्ट के अनुसार 32 डिग्रियां प्राप्त की है, जो कि आज के समय में आम इंसान के बस की बात नहीं ये प्राप्त करनी। ऐसे उच्च विचार के बाबा साहेब अम्बेडकर इंसान थे, वो तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो महान विचार थे, उनके जो पुस्तक है, हम उनसे पढ़कर सीख सकते हैं कि वो कितने महान व्यक्ति थे। और मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी उनमें कि जो दलित शायरी नहीं, ऐसी मैं बोलती हूँ कि जो मानवता है वो हमें मानवता दिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे जैसे युग बढ़ रहा है, जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, वैसे वैसे मतलब जो मानवता है वो भ्रष्ट होती जा रही है। और हमें मानवता दिखानी चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। और बोलते हैं कि ये जाति ऊँच है, ये जाति नीच है, तो ऐसी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति इंसानों ने बनाया है, भगवान ने तो केवल इंसान को ही बनाया है। और ये भी कहना चाहूँगी कि जो नीच जात के लोग हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान ही है, वो जानवर नहीं है हमारी तरह। पहले ज़माने में जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनके एक पुस्तक में ऐसा पाया गया है कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो उन्हें स्कूल में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, वो बाहर बैठा करते थे। जब स्कूल का चापरासी नहीं आता था तो उन्हें पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, और पानी भी इस प्रकार से पिलाया जाता था कि हाथ में अटा तो अटा, नहीं तो एक ग्लास से देने के बाद उन्हें दोबारा पानी भी नहीं दिया जाता था। इस प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। अमेरिका जैसे बड़े देश में वो पढ़कर आए, इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त की और हमारे भारत का संविधान लिखा। उन्हें संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, और वो भी उन्होंने अपने हाथों से लिखा था, जो कि हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। और इतना कहते हुए मेरे 2 शब्दों को समाप्त करती हूँ।